मैम कम इन सर यस प्लीज डू गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून प्लीज टेक योर सीट थैंक यू सर आप आरती हैं जी आरती आप हिंदी भाषा में सहज हैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहेंगे सर यही आपने विषय चुना हुआ है इंटरव्यू देने के लिए आप माध्यम आरती आपने शायद महसूस किया होगा कि हम तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश कर रहे हैं जी और बाकी सावधानियों के अलावा इसी वजह से आपकी कुर्सी पर्याप्त दूरी पर लगाई गई है और इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से आप पर्याप्त दूरी पर हैं ताकि आप सुरक्षित महसूस करें और सहज महसूस करें इसका एक अन्य लाभ ये है कि आप इससे अपना इस वजह से अपना मास्क भी उतार सकती हैं क्योंकि एक तो मास्क से इस पर शीशे पर फॉगिंग होती है चश्मे पर और दूसरा आप सहज महसूस करेंगे ठीक है ना तो आप उतार लीजिए मास्क अगर आप चाहें तो जी सर आपको स्वयं तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है नो सर ठीक है तो आरती मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं अब बिना नाम को दोहराए हुए बिना अपने जाति धर्म समुदाय या क्षेत्र का कोई उल्लेख किए हुए आप अपना परिचय दीजिए सर मैं रायबरेली जिले की रहने वाली हूँ वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ गुड आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की आपकी शौक क्या है सर राय से मेरी सारी पढ़ाई हुई है बी एड मैंने आपने कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल की हैं सर मैंने बी एड किया है एम एस सी किया है और बी टी सी अच्छा आपने बी ए नहीं किया मतलब मैंने बी एस सी के बाद एम एस सी किया पहले आपने बी एस सी किया फिर एम एस सी किया बी एड किया बीटीसी भी किया अच्छा ओके तो ऐसा लग रहा है इन, इन डिग्रियों को सुनकर तो कि आपने पहले दिन से तय कर रखा था कि आपको शिक्षक बनना है शिक्षक आप ऑलरेडी हैं फिर आप यहाँ क्यों आप किस पद के लिए आवेदन किया है आपने सर मेरा सीनियर लेक्चरर डाइट वाला जो ग्रुप है सेकंड नंबर उसमें है और इन सेवाओं में आने का मन मेरा तब केवल एक ही वरीयता नहीं है? सर एक्चुअली मैं ग्रुपिंग पहले से कर रखी है प्री के रिजल्ट के टाइम से ही हाँ। तो इसलिए मेरा उसी ग्रुप में नाम है तो आपका जो इस समय आप हमारे यहाँ पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित है वो मूलतः जो डाइट होते हैं उनमें लेक्चरर के पद के लिए है। आप जो सामान्य लेक्चर हाँ जो सामान्य पद होते हैं उनके लिए आप नहीं है ठीक है ठीक है और शिक्षा शास्त्र आपका विषय है तो स्वाभाविक है कि आपको शिक्षा तो अच्छे से आपने पढ़ा ही होगा शिक्षा नीति पढ़ी होगी शिक्षा नीति पे तो सर आपसे पूछेंगे मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब आपने शिक्षा पढ़ी थी तो अधिगम सिद्धांत पढ़े होंगे लर्निंग थ्योरीज पढ़ाने पड़ेंगे अगर आप आ गए तो मुझे जरा बताइए कि पावलों का अधिगम सिद्धांत जो है पढ़ा है हाँ सर पावलोव का एक्सपेरिमें था, में में एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग वाला अधिगम सिद्धांत है वो स्किनर के सिद्धांत से जो कि वो भी कंडीशनिंग का सिद्धांत है कैसे अलग है सर अभी मैं कंपेयर करने में कोई बात नहीं चलिए कोई बात नहीं आप शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा सहज कहाँ से सर एक्चुअली में मुझे इसको किए हुए काफी टाइम हो गया चलिए और... आप शिक्षा में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है चलिए कोई बात नहीं मुझे बताइए कि अगर हम शिक्षा नीति को देखें तो शिक्षा नीति के उत्तर प्रदेश के लिए निहितार्थ क्या है सर शिक्षा जैसे कि गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति आई है आपको जी। उसके उत्तर प्रदेश के लिए क्या निहितार्थ है उत्तर प्रदेश के लिए उसमें क्या है सर उत्तर प्रदेश के निहितार्थ ये हैं कि जो नीति आयोग द्वारा इंडेक्स जारी किया गया था शिक्षा के लिए सेक्यू नाम से उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे अंतिम स्थान पर था जबकि केरल प्रथम स्थान पर था तो इससे पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें काफ़ी सुधार की भी ज़रूरत है तो नई शिक्षा नीति जो कि तीसरी शिक्षा नीति है तो उसमें आउट लर्निंग आउटकम पर काफ़ी फोकस किया गया है क्योंकि मतलब हमने स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ, भी डेवलप कर लिया है टीचर्स भी हैं सब कुछ है लेकिन लर्निंग आउटकम उतने नहीं आ पा रहे हैं जैसे कि एसर की रिपोर्ट भी बताती है कि अधिकांश बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे उन्होंने कराया तो पता चला कि अधिकांश बच्चे अपने क्लास के जो बेसिक नॉलेज है वो भी उनके पास नहीं है इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिगम स्तर को मेंटेन करें जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है और मिशन प्रेरणा करके एक मिशन चलाया गया है जिसमें बच्चों को हर क्लास के बच्चों को एक मिनिमम लेवल सेट किया गया है कि इस क्लास के बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए और सौ दिन का हाल ही में प्रेरणा ज्ञान उत्सव भी मनाया गया है तो चलिए खैर कोई बात नहीं मुझे बताइए कि सिलेबस जी पाठ्यक्रम और जी सर शिक्षा नीति में एक चीज़ और भी बहुत बदलाव किया गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन पर काफी फोकस किया गया है जो पहले हालांकि कहीं ना कहीं छूट गई थी पहले की नीति में मैं जानना चाह रहा था कि पाठ्यक्रम सिलेबस और पाठ्यचर्या क्या अंतर है? सर so, सिलेबस में सिर्फ वो बुकिश चीजें होती हैं जबकि कैरिकुलम में हम हर तरह की एक्टिविटी और इंटरेक्टिव लर्निंग की बात करते हैं और ऑडियो विजुअल एड का अधिक से अधिक प्रयोग और को कैरिकुलर एक्टिविटीज मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज के माध्यम से और हर वो प्रयास करके जिससे बच्चा सीख सके उसको ऐड किया जाता है जबकि सिलेबस आरती जी आरती जी, आप टीचर हैं मुझे सबसे पहले तो शिक्षा नीति पर बात हो रही थी तो स्कूल शिक्षा में क्या ये क्या है ये पूरा सर ये पहले जो का स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे थे उसको चेंज करके अब ये नया फॉर्मेट लाया गया है जिसमें पांच वर्ष के लिए इसमें मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन कहां plus, से कहां तक होगा क्लास वन एंड टू और प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी पांच साल ये ठीक है इसके बाद तीन साल हम पढ़ेंगे थ्री फोर एंड फाइव इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे तीन क्लास और जी डी पी प्रतिशत जी डी पी का शिक्षा पर सर हालांकि शिक्षा नीति जी डी पी खर्च का प्रावधान था लेकिन अभी तक हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं और हमारा बहुत कम है ये लगभग दो ढाई प्रतिशत क्या ठीक है अच्छा मुझे एक बताइए आपका वैकल्पिक विषय क्या रहा है सर पॉलिटिकल साइंस एंड पोलिटीटिकल साइंस राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है और क्या बिना राज्य हुए भी कोई राष्ट्र हो सकता है सर राज्य का ये यूरोपियन देशों से आया है जिसमें एक राज्य को परिभाषित करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए थे जैसे जनसंख्या संप्रभुता निषेध भूभाग और राष्ट्र जो हम वर्तमान समय में कॉन्सेप्ट देखते हैं वो उन्हें हम राष्ट्र के तो नाम से कोई ऐसा तो राष्ट्र आपके मस्तिष्क में आ रहा है जो राज्य ना हो अभी इस परिभाषा के अनुसार सर जैसे कि ये चीन का भी वो ताइवान ताइवान हांगकांग ये यहाँ पर अच्छा, परचल है संप्रभुता को लेकर अच्छा एक पॉजिटिविज्म की भी बात होती है जी क्या है ये सोशल साइंसेज में सर अच्छा कोई बात नहीं गांधी गांधीज्म और मार्क्सिज्म में तुलना कर सकती हैं जी बताइए सर गांधी जी राज्य को मतलब वो राज्य को उन्होंने एबॉलिश करने की बात नहीं की जबकि मार्क्सिज्म में बिल्कुल उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि दो वर्ग एक साथ अस्तित्व में नहीं आ सकते और सर्वहारा का अधिनायकत्व की बात समानता, समानता जबकि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था और समानता की बात करें तो सर जो निचले तबके के लोग हैं जो मार्जिनलाइज हैं या श्रमिक हैं, उनके हितों की बात मार्क्स ने भी की और गांधी ने भी की और निचले लेवल के लोगों के उत्थान में दोनों लोगों ने भी किया अच्छा पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद इन तीनों में अगर आर्थिक आधार पर विभेद किया जाए तो एक सिक्वेंस में बताइए क्या होगा सर पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य तो रहता है सरकार की नीतियाँ हो या समाज कैसे चलेगा अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी ये सब पूंजीपतियों का जो गिने चुने मुठ्ठी भर लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं जबकि समाजवाद में हम जितने भी उद्योग हैं उन पर सरकार का आधिपत्य स्वीकार किया जाता है जबकि साम्यवाद में सरकार का भी अस्तित्व नकार दिया जाता है अच्छा ठीक है एक अंतिम प्रश्न जो आपके जिले से संबंधित है आपकी जिले की सीमा फतेहपुर जिले से भी लगती है है ना? इन दोनों जिलों के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है गंगा नदी ठीक है सर आरती जी जी सर संविधान के उन प्रावधानों को बताइए जो महिलाओं की अधिकारिता को सुनिश्चित करते हैं सर अनुच्छेद चौदह जो कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है और अनुच्छेद पंद्रह जिसमें लिंग वंश जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान है और अनुच्छेद नंबर सोलह जिसमें आ, आ, लोक सेवा नियोजन के अवसरों में भेदभाव निषेध की बात की गई है इसके अतिरिक्त तो, सर डी में भी कई प्रावधान महिलाओं के लिए किए गए हैं जैसे प्रसूति सहायता का और काम की मानवोचित दशाएँ और न्यूनतम पारिश्रमिक पाने का अधिकार चलिए लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात की गई है और ये भी उसमें प्रावधान है कि अगर समाज का कोई पिछड़ा वर्ग होगा तो उसे मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आ, आरक्षित की जा सकती हैं कुछ सीटें और ये भी इतिहास से सिद्ध किया जा सकता है कि महिलाएं शिक्षा से वंचित रहें शोषित रहीं शोषित वर्ग में आना चाहिए उनको महिला आरक्षण को लेकर अभी भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई देती है इसके पीछे क्या क्या कारण है सर सबसे बड़ा कारण तो जो पितृ सतात्मक समाज की एक सोच बनी हुई है हमारी कि महिलाओं को आगे नहीं जाने देना है ये मुझे नजर आता है दूसरा महिलाओं की अशिक्षा और उनका जागरूक ना होना भी एक कारण है कि वो अपने अधिकारों के लिए उतनी सजगता से मांग नहीं कर पा रही हैं इसी कारण से ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है सर अच्छा उत्तर प्रदेश में कोई विशेष व्यवस्था महिलाओं के संदर्भ में जी अभी हाल ही में मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अच्छा। अगर आपको अवसर दिया जाए कि आप महिला शिक्षा के संदर्भ में नीति बना सकती हैं तो आपकी नीति किस तरह कार्य करेगी कि ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा सके क्या क्या प्रयास होंगे सर सरकार ऑलरेडी काफी प्रयास कर रही है आपको क्या, अगर अवसर दिया जाए तो आप क्या क्या ऐसे सुझाव देंगे जिससे महिला शिक्षा में हम चेंज देख सकें पॉजिटिव चेंज दिखाई दे हमको सर एक तो ये एक इनोवेशन हो सकता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से ही शुरुआत करेंगे तो कि बालिकाओं को स्कूल ज्यादा से ज्यादा आने के लिए प्रमोट किया जाए उन्हें अलग से जैसे उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है विद्यालय में उनके इनकेज किया जा सकता है और उनकी माताओं को भी थोड़े थोड़े समय में मीटिंग्स लेकर जैसा कि हम लोग करते भी हैं मीना मंच इत्यादि के माध्यम से उन्हें भी जागरूक किया जाए क्योंकि यदि जा, गार्जियन जागरूक हो जाएंगे तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली स्कूल आना चाहेंगे उच्च शिक्षा के संदर्भ में कोई समस्या तो सबसे बड़ी उच्च शिक्षा के संदर्भ में सर ये जो स्टेम वाला है साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह इनमें महिलाओं का नामांकन काफ़ी कम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में तो इसके लिए भी उन्हें बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई जा सकती हैं अच्छा चलिए ये ये बताइए कि अपने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद के बारे में कुछ पढ़ा है क्या किस मूल बात को लेकर विवाद है? सर ये यहूदियों को के लेकर है मतलब जो जेरूसलम वहाँ पर एक शहर है उसको दोनों लोग पवित्र मानते हैं और दोनों लोग अपना क्लेम कर रहे हैं तो उसमें जो यहूदी समुदाय है उसको लेकर के फिलिस्तीन एंटी है और इसी वजह से ये संघर्ष काफी समय से चल रहा है वहाँ पे वो कुछ एरिया हैं गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स वगैरह इत्यादि को लेकर विवाद रहता है अच्छा फिलिस्तीन वो राष्ट्र है या राज्य है सर अभी उसको राष्ट्र का स्टेटस तो शायद रिकॉग्नाइज नहीं है और राज्य है सर राज्य भी नहीं है क्योंकि संप्रभुता शायद अभी नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी अच्छा अच्छा एक अंतिम सवाल आपसे कि कुर्दों के बारे में आप कुछ जानते हैं कुर्द जी। सुना कहा ये ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स को कहते हैं कासिम सुलेमानी जो उसके कमांडर थे हाल ही में अभी यूएस द्वारा उनको ऐसे किया गया था तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कुछ खबरें इस तरह की थी कि कुर्द और अमेरिका एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं सर और, अमेरिका ने तो उनको टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है कुर्स फोर्स जो वहां की है और सर अब कभी पढ़ा था आपने कि कुर्दों के साथ अमेरिका सर न्यूज में मैंने एक दो बार ऐसा कि अमेरिका मतलब विश्व का हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहा है कि देश आपस में लड़े और उन्हें हथियारों की जरूरत पड़े और वे हमसे हथियार खरीदें चलिए अच्छा। ठीक <laughs> है सर बट मैं इसमें मतलब कोई अभी क्लियर वो नहीं कह सकती आरती अब तो शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहती हैं जी मुझे बताइए कि जब केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वो हर राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहती है तो अधिकांश राज्यों ने नए विश्वविद्यालय चुनने का बनाने का तय किया लेकिन उत्तर प्रदेश ने बजाय एक नया विश्वविद्यालय बनाने के पहले से जो एक ठीक ठाक चल रहा विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का आपको प्रशासनिक तौर पर और राज्य की शिक्षा के तौर पर यह फैसला कैसा लगता है कि बजाय एक नया विश्वविद्यालय बनाते तो उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता उससे विद्यार्थियों को नया लाभ होता इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो पहले से ही चल रहा था सर मैं इस फैसले का समर्थन करती हूँ इसमें मुझे दो फायदे दिखते हैं पहला तो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी पुराना है एटीन मुझे ठीक से सन याद नहीं है लेकिन अठारह उन्नीसवीं शताब्दी के वर्षों में ही ये बना था तो एक तो इसे रिनोवेशन की जरूरत भी होगी और दूसरा ये अगर किसी पुरानी यूनिवर्सिटी को हम फिर से रिनोवेट करेंगे तो हमारा खर्च जाहिर सी बात है कम आएगा अगर आप तो जानना चाहूँ कि बजाय और निवेश करने के नया विश्वविद्यालय बनता तो उसकी सर, जमीन का जो खर्चा, पैसा हम बचाएंगे उसे पैसा हम पैसा तो केंद्र सरकार का बचेगा अच्छा अच्छा राज्य सरकार अगर इस विश्वविद्यालय को चलने देती तो केंद्र सरकार से एक नया विश्वविद्यालय बनने के लिए राज्य के हो या केंद्र हो पैसा तो देश का ही है और देश के विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों में पैसा बचाना चाहिए या और व्यय करना चाहिए सर व्यय की बात तो ठीक है लेकिन अगर हम कहीं से पैसा बचा और वंचित वर्ग की शिक्षा के ऊपर विश्वविद्यालय कम हो गया उत्तर प्रदेश के पास विश्वविद्यालयों की संख्या मायने नहीं करती है मायने करती है क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स जो आती हैं उनमें हमारी रैंकिंग्स का प्रदर्शन काफी खराब है तो हमें मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ पहले से हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है और उनका लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को नए विश्वविद्यालयों की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कल ही के मंत्रिमंडल के निर्णय में नए विश्वविद्यालय खोलने की का फैसला किया गया है सर जरूरत तो है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और सबकी शिक्षा दीक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज तो चाहिए होंगी लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने या प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा <laughs> <हुँ। laughs> चलिए शिक्षा विभाग का ढांचा बता दीजिए शिक्षा सचिव से शुरू कीजिए और शिक्षक तक आइए शिक्षा सर मुझे नीचे क्या आइडिया है बट ऊपर रैंक से मुझे अपना शिक्षा शिक्षा मंत्रालय वहाँ पे, पे शिक्षा सचिव वहाँ पे शिक्षा सचिव से शुरू कीजिए फिर इसके बाद राज्य स्तर पर भी वैसे ही मंत्रालय होते हैं फिर वहाँ पे भी सचिव होते हैं फिर उसके बाद जिले स्तर पर डाइट होते हैं जो प्रशिक्षण कंडक्ट कराते हैं फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर बी होते हैं जिन्हें ब्लॉक संसाधन केंद्र कहते हैं फिर न्याय पंचायत लेवल पर हम लोग एन के नाम से एक बनाते हैं जो न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर जिसे कहते हैं जो कि उस ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों का मतलब उसको मैनेजमेंट देखते हैं और उसके बाद फिर ग्राम सभा स्तर पर कुछ स्कूल होते हैं और उसके बाद फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ठीक है आरती जी आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपको इंटरव्यू समाप्त होता है आप जा सकती हैं थैंक यू सर मैं कमिल जी आरती जी आइए सीट थैंक यू सर बताइए आपके हिसाब से आ, ये इंटरव्यू जो था उससे आप कितनी संतुष्ट हैं और कौन से एरियाज में आपको लगता है कि आप ठीक कर रही हैं कहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ अभी थोड़ी और तैयारी सर जो बी एड वाले कोर्स में हमने जो भी पढ़ा था वो मैंने काफ़ी दिन से रिवाइज नहीं किया तो वो मुझे करना पड़ेगा इसके अलावा और भी काफ़ी जगह मुझे दिक्कत लगी देखिए पहला इंटरव्यू क्योंकि आप एक स्पेसिफिक तरह की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों को कर जाइए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे बोर्ड में डाला जाए जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है जिस बोर्ड में इस विषय विशे के विशेषज्ञ होंगे ठीक है ना क्योंकि एक स्पेशलाइज काम है ये टेक्निकल सर्विसज होंगे तो नॉर्मली जो जैसे मान लीजिए कृषि अधिकारी वाला जो होता है उन सबको एक बोर्ड में डाल देते हैं जहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं तो आपके साथ हो सकता है एजुकेशनिस्ट कोई बैठा हो तो उसे थोड़ा सा पाट लीजिए जितना समय आपके पास है उसका जितना इस्तेमाल आप कर सकती हैं उसे देख लीजिए सामान्यतः आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं आप पहले से नौकरी में हैं और जो हताशा होती है बेरोजगारी की वो आप पर नहीं है इससे फ़ायदा ये होता है कि तनाव नहीं आता आप हताश नहीं दिखाई देती फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई देती और डेस्परेशन नहीं दिखाई देता जो कि पॉजिटिव है नुकसान ये होता है कि इससे कभी कभी इनफॉर्मल होने का डर रहता है मेरा क्या नुकसान हो जाएगा इस वाले भाव के साथ होता है तो वो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको करना है एक एकाद जगह पर आप अनौपचारिक हो जाती इनफॉर्मल हो जाती हैं कुछ तो सामान्य सिद्धांत है जिनका उल्लंघन आप कभी नहीं कर सकते मसलन देखिए ये बराबर का संप्रेषण नहीं है गैर बराबरी का अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन ये गैर बराबरी का संप्रेषण है ठीक है ना तो इसमें आप साधारण सिद्धांत क्या कहता है जैसे कि गोल्डन प्रिंसिपल है ऑलवेज अलाउ बोर्ड मेंबर टू इंटरप्ट यू बट नेवर इंटरप्ट अ बोर्ड मेंबर ना? अगर आप बोल रही है, बोर्ड मेंबर बीच में बोलने लगता है तो रुक बोर्ड मेंबर बोल रहा है तो exactly, प्रश्न को दूसरे प्रश्न के उत्तर में कंटिन्यू करने की जिद दिखाते हैं वही छोड़ देता है अगर मान लीजिए बोर्ड ने आपको इंटरप्ट कर दिया या आपने रोक लिया और वो बात खत्म हो गई अगला प्रश्न आ गया आपको अचानक पहले प्रश्न का उत्तर का कुछ हिस्सा याद आया नहीं, बाद या फिर कभी बहुत ही जरूरी बिंदु कोई छूट गया है तो जब यह प्रश्न खत्म हो जाएगा तब आप विशेष तौर पे कह सकते हैं सर पिछले प्रश्न के उसमें मैं ये जोड़ना चाहती हूँ वो आपको अनुमति दें तो जोड़िए नहीं तो छोड़ दीजिए ठीक है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरतें क्लासरूम में हम कभी कभी जंप करते हैं इधर से उधर लेकिन इंटरव्यूज में हम नहीं कर सकते तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी ये इंपॉर्टेंट है एक आध जगह पर ऐसा भी लगा कि आप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही उसे थोड़ा सा रोक सकती है अदरवाइज आपका सिटिंग पोस्चर वैसे ठीक है मैं उम्मीद करूंगा कि चेयर पे थोड़ा सा और पीछे होकर बैठे बैठते समय ठीक है ना उसे लगेगा कि आप सहज हैं वॉल्यूम लार्ज ठीक है स्पीड में जैसे मैंने बताया ज्यादा है हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है आई कॉन्टेक्ट में कोई खास परेशानी नहीं है फ्लो थोड़ा ज़्यादा ही है उसे थोड़ा सा रोकना है और कुछ वो नहीं तो सामान्यतः अदरवाइज आप इंटरव्यू अच्छा कर रही हैं लिसनिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे आप और इंप्रूव कर सकती हैं ठीक है ना तैयारी के विषय में मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ पहले ही बताया कि जाहिर है कि आपका तुरंत इंटरव्यू है तो जितना समय आपके पास है उसका बेस्ट इस्ते, इस्तेमाल कीजिए लिस्टिंग का मतलब होता है पहले ध्यान से पूरा प्रश्न सुने और फिर तकरीबन एक सेकेंड डेढ़ सेकेंड लें चाहे आपको उसका उत्तर आता हो तब भी पहले एक सेकेंड लें और फिर अपना उत्तर शुरू करें इससे दो प्रभाव पड़ते हैं पहले लगता है कि आप सुचिंतित उत्तर दे रहे हैं दूसरा आपका उत्तर आप पहले से स्ट्रक्चर कर लेती हैं तो उससे आपको फायदा होगा आपके स्ट्रक्चर्ड uh, उत्तर हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड उत्तर से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं ठीक है ना बाकी चीजें आप ठीक कर रहे हैं आई एम डू वेरी ऑल द बेस्ट सर ये जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ये अभी अपडेट करने की जरूरत आपने पूछा था कोर्ट वो सही था और में है। अमेरिका वाला जो है वो ऐसे बोल सकते हैं वो मत वो आप ठीक है ना जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो बोलिए ठीक है ना अगर कोई ऐसा कयासबाजी है तो क्या मतलब कहीं ऐसा कहा जाता है वाला लेकिन ये तो अनावश्यक तो उसको मुझे कैसे बोलना चाहिए था मतलब? आप विड्रॉ कर दीजिए अच्छा जब आपको बहुत क्लियर नहीं है तो आप बता दीजिए कि मुझे क्लियरिटी नहीं है मना द बेस्ट थैंक यू सर